पूजनीय महाराज रामकिंकर जी और जिन्हें मैं गुरुजन के स्थान पे मानता हूं, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, आज सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये जय राम जी की सारे भारत में ये तीन शब्द गूंजने लगे हैं। हम बंबई में जहाँ का बड़ा एक वेस्टर्न एटमॉस्फेयर है, वहाँ के कॉलेजों में भी देखते हैं कि जब सवेरे स्टूडेंट आते हैं तो सब एक दूसरे को जय राम जी की कहने लग गए। राम, जब आप जय राम जी की कहते हैं तो आप सत्य की जय कहते हैं कि राम सत्य का प्रतीक है। आप धर्म की जय कहते हैं क्योंकि श्री राम धर्म की पराकाष्ठा है। आप मर्यादा की जय कहते हैं क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसलिए ये संबोधन जय राम जी की सारे भारत से आज मेरा ख्याल है कि विश्व में भी जा रहा है। मैं अभी 2-4 महीने पहले अमेरिका गया था तो मुझे न्यूयॉर्क में बहुत लोग, जब मैं गया कई जगह, तो कहने लगे जय राम जी की। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये शब्द जो हैं हमारे संस्कार में हैं और ये संस्कार में थे, हमारे अंदर थे, केवल कई बार संग दोष से, वातावरण के दूषित हो जाने से, समय बदल जाने से, कई कारणों से, कई ऐसी बातें होती हैं, ऐसी धूल वातावरण की, संग दोष की, बड़े बड़े रत्नों पे पड़ जाती है कि रत्न धूमिल सा हो जाता है। रत्न तो होता है, वो भक्ति का रत्न जो आप सबके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर उपस्थित है, उपस्थित था, उपस्थित रहेगा सदा से। हजारों वर्षों से हमारी रगों में, हमारे पूर्वजों के रक्त के द्वारा आए हुए रक्त के अंदर बीज रूप में ये संस्कार सारे मौजूद थे। तो जैसे कोई एक पुराना नौकर घर का कोई उसको आदेश दे दे कि ये गमछा लेके, परना लेके, भाई ये सब धूल जमी हुई है, इसको साफ कर दे, मैंने केवल उतना ही काम किया है कि आपके मनों के अंदर जो भक्ति के रत्न थे उन पे समय दोष से, संग दोष से धूल कहीं पड़ गई थी तो मैंने एक नौकर की तरह अंगोछा लेके उसको पोंछ दिया। सारे विश्व में ऐसा माहौल आज होगा ही नहीं जैसा यहाँ घटित हो गया। और जिसने सारे विश्व को राममय कर दिया है, रामानंद सागर ने, अब उसके लिए कोई प्रमाण तो चाहिए नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इतने विदेशी बंधु आकर के राम का कीर्तन कर रहे हैं तो देश विदेश में सब जगह, जिसने तुलसी के राम की धुन भी बजा दी है, ऐसे रामानंद का अभिनंदन राम कंकर जी के स्नेह की छाया में। आप जानते हैं तुलसीदास जी का एक नाम राम किंकर भी था, राम बोला और राम किंकर। उनकी स्नेह की छाया में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। हमने प्रातः कहा था तुलसी उपवन में, यहाँ पर पता नहीं किस मुहूर्त में इनके पिता ने इसका नाम रख दिया रामानंद सागर, बिना जाने हुए कि जब बड़े होंगे
तो राम के आनंद का सागर सारे विश्व में लहरा देंगे, ये किसी को पता। मैंने कहा था हमारे यहाँ तो पूजा की विधि है ना, हम उसी चीज से उसकी पूजा करते हैं। दिए को जला के, मिट्टी के दिए से इतने बड़े प्रकाश सूरत की पूजा करते हैं। प्रदीपत ज्योतिर भी दिवाकर नीराजन विधि, चंद्रकांत मणि से सुधासूते चंद्रकांत मणि से चंद्रमा की पूजा करते हैं। और समुद्र गंगा जी की पूजा करते हैं। गंगा जी की पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, न अक्षत न फूल न चंदन, कुछ नहीं चाहिए। हर की पेड़ी में बीचों बीच खड़े होकर डुबकी लगाई और उन्हीं का जल उन्हीं को समर्पित कर। सुधा सेतु चंदो पर जवैन जलमयी रंभ कर रचना है? और इसलिए मैंने कहा था इनको सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं का दिलवाना चाहिए जिनके मानस की परंपरा के प्रवहमान यहाँ प्रतिष्ठित राम किंकर जी हैं। उनके दीपक को लेकर आंधी पानी में चलने वाले, सारे विश्व के अंधकार को विदीर्ण करने वाले राम आनंद सागर को आशीर्वाद इसलिए देता हूँ। कभी हमारे परम पूज्य राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी लाए थे समुद्र पार से सीता का संदेश, तो कहा था उनके लिए कि पवन सुत कीन जो करनी, पात पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो वरनी। हनुमान महाराज ने फिर से समुद्र पार छा दिया संदेश, तो सहसहु मुख न जाए सो वरनी, तात रामानंद कीन जो करनी। अभी मानस संगम के संदर्भ में श्री रामानंद जी सागर का अभिनंदन किया गया और उनके लिए जिन शब्दों में उनकी प्रशंसा की गई वे उस प्रशंसा के पात्र हैं। किंतु मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की हुई कि उन्होंने प्रशंसा को जिस अर्थ में लेना चाहिए उसी अर्थ में लिया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत सफलता के रूप में नहीं देखा। तो सागर जी है, वस्तुतः गंगा की धारा तो वही होती है, पर गंगोत्री में वो धारा बड़ी क्षीण सी दिखाई देती है, वहाँ एक पतली सी धारा दिखाई देती है और गंगोत्री से उतर करके गंगा जब क्रमशः नीचे की ओर उतरती है, लोक कल्याण के लिए गंगा का अवतरण होता है, तो आपने देखा होगा मूल उद्गम में जो पतली सी धारा बह रही है वो ज्यों-ज्यों नीचे उतरती है त्यों तो धारा का विस्तार होता जाता है। और गंगा की धारा का यदि सबसे विशाल रूप देखना हो तो आप समुद्र के किनारे जाइए, जहाँ गंगा और समुद्र का संगम होता है वहाँ गंगा की धारा अपने सर्वोत्कृष्ट और विशाल रूप में दिखाई देती। ऐसी स्थिति में राम कथा तो गंगा है और गंगा की जो धारा अविच्छिन्न रूप से बहती गई, कर्षि रामचरित मानस में राम कथा की तुलना गंगा से की गई है। भगवान शंकर से जब भगवती उमा ने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने यही कहा कि पार्वती पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा,
तुमने भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया, ये भगवान की जो कथा है वो लोक पावनी गंगा है, तो ऐसी स्थिति में ये राम कथा की गंगा जो अनादिकाल से बह रही है और अनादिकाल से बहती हुई विचार और विश्वास भावना के क्षेत्रों को धन्य बनाती हुई है, अगर रामानंद सागर के पास पहुंच करके वो विशाल रूप में जनता के लिए सुलभ हो गई तो ये प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। का वस्तुतः जैसा उन्होंने कहा मैं उसे उनकी विनम्रता नहीं मानता, ये प्रभु की परम अनुकंपा है कि उन्होंने अपना माध्यम उन्हें चुना और उनके द्वारा इतनी बड़ी सेवा ली। इसलिए का उस कृपा की बस विलक्षणता यही है कि उन्होंने उस कृपा का अनुभव किया, और हमारा सब हम सब का भी कर्तव्य ये है कि वस्तुतः हम व्यक्ति का अभिनंदन करते हुए भी भगवान की महिमा भगवान की मंगलमयी कृपा का स्मरण करें। इन शब्दों के साथ मैं अब विराम देता हूं।